नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह सोनाली की मुर्गियां हैं। मैंने 100 बच्चे पाले हुए थे, जिसमें से कि 40 मुर्गे और 60 करीब मुर्गियां निकली थी। मैंने जो मुर्गे उनको सेल कर दिया, वह मुर्गियों को बचा हुआ। मुर्गियों को उद्देश्य बचाने का मेरा यह है कि मैं अंडे पर्पज़ से पालना चाहता हूँ, क्योंकि ठंड का सीज़न चालू होने वाला है और ठंड में अंडे की सेलिंग अधिक रहती, इसीलिए मैंने मुर्गियाँ बचा दी और मुर्गे सेल कर दिए, क्योंकि मैं ठंड के समय में अंडे की कीमत अच्छी मिलती है, इसीलिए मैं इनको अंडे के लिए रखा हूँ। मुर्गियों के अगर दिन की बात करी जाए तो मुर्गियों को आज 144वें दिन हो चुका है और 144 दिन मुर्गियों में एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो गई है। मुर्गियों की कलगी में छोटे छोटे दाने दाने उत्पन्न हो गए, इसकी चोंच में भी दाने उत्पन्न हो गए हैं। इसको चिकन पॉक्स या फाउल पॉक्स या फिर माता के रूप में जाना जाता है, इसको चेचक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार की मनुष्य में माता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार की भी मुर्गियों में माता हो जाती है। इसके जो फेस रहता है, इसकी चोंच रहती है, इसकी जो केस रहती है, उसमें दाने दाने पड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी यह खासियत है कि इसमें आप माता या चिकन पॉक्स हो गया है। इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस बीमारी का होने का कारण क्या है, इस बीमारी का सर्वप्रथम होने का कारण यह गर्मियों के मौसम में यह सर्वाधिक बीमारी उत्पन्न होती है। और बीमारी का होने का कारण यदि आपके फार्म में गंदगी है, तो गंदगी होने के कारण भी चिकन पॉक्स या माता उत्पन्न हो जाती है। इस बीमारी होने के कारण यह गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक होती है। चिकन पॉक्स में यह रहता है, यदि आपकी मुर्गियाँ अंडे पर्पज़ से हैं, तो उस समय अंडे की जो संख्या है वह काफ़ी कम जाती है। यह बीमारी घातक बीमारी नहीं है, जैसे कि अन्य बीमारियों में मुर्गियों की डेथ एक दो दिन में हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस बीमारी में मुर्गियों की मृत्यु दर ना के बराबर है। इसको 2-3 दिन में आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर आप देसी इलाज चाहें तो देसी इलाज से कंट्रोल कर सकते हैं, या एलोपैथी चाहें तो एलोपैथी से कंट्रोल कर सकते हैं, या होम्योपैथिक से अब इसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। देसी इलाज की बात करी जाए तो नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कड़ुआ तेल, हल्दी, इन तीनों चारों चीज़ों का मिश्रण बना के जहाँ जहाँ दाने दाने निकले हैं वहाँ वहाँ लगा दें, तो यह काली पड़ के जो दाने दाने हैं वह झड़ जाएगी। यह जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भाई है उनके लिए यह उपाय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे दवाई व मेडिसिन की कमी रहती है। तो वह इस प्रकार नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती और कड़ुआ तेल, हल्दी लगा के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके पास साधन सुलभ रहते हैं, वह मेडिसिन की दुकान में जाकर दवाई ले सकते हैं और ठीक इससे बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवाई से इस बीमारी का इलाज किस प्रकार के है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, जो इस दवाई का उपयोग कर रहा हूँ यह थूजा 200 है। 1 लीटर पानी में 10 बूंद डालना है। 10 बूंद आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं कि मैंने 2 बर्तन लगाए हुए हैं, उसमें 1-1 लीटर पानी लगाया हुआ है और ये थूजा 200 है। थूजा 200 की 10-10 बूंदें डाली और इसमें बर्तन में लगा के ये जो मुर्गियाँ उनको दे दी। इसके पीने से यह रहता है कि थूजा 200 देने से ही रहता है, जो थूजा 200 जो मनुष्यों में उपयोग की जाती है वही दवाई इसमें इस्तेमाल की गई। ये मसा या अन्य बीमारी जैसे फुड़िया फुड़िया हो जाती है उसमें यह काफ़ी कारगर उत्पन्न होती है। यह दवाई जो है, जो मुर्गियों की में जो दाने दाने पड़ गए हैं, यह बीमारी भी यह उसको सुखा देगी। सूखने के बाद यह उसको जो रहती है वह झड़ जाएगी, अर्थात जो माता है वह सूख के झड़ जाएगी और यह स्थान पर काला पड़ जाएगा और धीरे धीरे यह अपने आप जैसी ही उसकी त्वचा थी वैसी हो जाएगी। थूजा 200 काफ़ी कारगर दवाई है चिकन पॉक्स के लिए। ये होम्योपैथिक दवाई, इस दवाई का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर मार्केट में इस दवाई की वैल्यू की बात करी जाए तो यह लगभग 130 से 140 रुपये की आ जाती है। यह नॉर्मली होम्योपैथिक दवाई में मिल जाती है और काफ़ी आसानी से मिल जाती है। इससे मुर्गियों में जो बीमारी है काफ़ी अच्छे और काफ़ी जल्दी से ठीक हो जाती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या दूर दराज के इलाके में रहते हैं, मैंने जो शुरुआत में जो फार्मूला बताया था उसका उपयोग करके भी मुर्गियों की दवाई ठीक कर सकते हैं। यदि अब एलोपैथिक अगर किसी दवाई का उपयोग कर सकते हैं तो एलोपैथी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। यह नॉर्मली है, होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी अच्छे, काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे द्वारा मुर्गियों की बीमारी के लिए हमेशा वीडियो बनाए जाते हैं, आप इन वीडियो के देख के अपनी मुर्गियों की जो बीमारी है उनको ठीक कर सकते हैं। मैंने बच्चों के बारे में वीडियो बनाए थे, बच्चों की बीमारी में कौन कौन सी एंटीबायोटिक, कौन कौन सी दवाई देना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आर के ब्रीडर्स चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।